हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और अभी बज चुके हैं सुबह के इतने, और हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश। तो मैं कुछ खतरनाक जगह आज आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। अभी मुझे उठा लिया है, तो अभी मैं नहा धो के निकलने वाला हूँ जल्दी, और रास्ते की भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज दिखाऊँगा, और बाकी वीडियो में आपको पहुँच के दिखाऊँगा। तो दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हम NH 58 पर हैं। नेशनल हाईवे जो है हमारा, ये सीधा आपका हरिद्वार ऋषिकेश में जाके मिलता है। और यहाँ से बीच में हम आपको एक कट दिखाएंगे जहाँ से आप अपना टोल बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से कट ले लिया है NH 58 से। ये रास्ता हमारा गांव की साइड से निकल के जाता है, जो एकदम सेफ है, क्योंकि सुबह का टाइम है और आप सभी जानते हैं गाँव का शेड्यूल ऐसा ही होता है, लोग जल्दी उठ कर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। यहाँ से आगे जाके एक कॉलेज भी पड़ता है नीलकंठ, जहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे और अपना टोल बचा लेंगे। हम गांव वाले रास्ते को क्रॉस करके देखे गाइज, फिर से NH 58 पे आ गए हैं, और हमने कम से कम गाइज 120 रुपये बचाए हैं, जिसमें हम 1 लीटर प्लस पेट्रोल डला के खूब मज़े से और ज़्यादा घूम सकते हैं। सो गाइज, जुड़े रहिए मेरे साथ जब तक इस लाइक वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ रास्ता, और हम जल्दी पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। देखिए दोस्तों, ये कितना प्यारा सा ओम है, कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने कभी यहाँ विज़िट किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ताकि हमें भी आपका एक्सपीरियंस जानने को मिले। दोस्तों, इस वक्त हम हरिद्वार में एंटर हो चुके हैं, और चलिए देखते हैं हमें आगे क्या क्या यहाँ पर मिलता है। ये देखिए दोस्तों, शिवजी भगवान की कितनी विशाल प्रतिमा है, कितनी आकर्षक लग रही है। दोस्तों, क्या आप में से कभी किसी ने यहाँ विज़िट किया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, जो यहाँ से लगभग 15 से 18 किलोमीटर होगा। और ऋषिकेश में हम जा रहे हैं मुनि की रेती। जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं वहीं पर। मित्रों, ये देखिए, हम आ चुके हैं मुनि की रेती में। देखिए कितनी बढ़िया ये जगह है, आपको दोनों तरफ हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा होगा, बड़ा प्यारा सा। अब हम यहाँ से दोस्तों जा रहे हैं अवधूत बाड़ा की तरफ, जहाँ पर स्वामी रामदेव पाठी जी का आश्रम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही प्यारा सा आश्रम है। उसके पीछे गंगा जी बहती है, जहाँ पर बहुत ही साफ़ पानी है, और वहाँ पर आपका रहना खाना पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी वहाँ पहुँचकर हम आपको बताते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही फेमस सी जगह ऋषिकेश। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी फैमिली टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है मुनि की रेती। इस जगह का मैं पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। और एक यहाँ पर सबसे अच्छी बात है इस जगह की, यहाँ का जो पानी है तो बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है। जैसे बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि भाई हरिद्वार में आ रहे हैं तो नहा के जाएंगे, तो जैसे हरिद्वार में आकर अगर आपको नहाने की इच्छा होती है, तो इससे बढ़िया जगह आपको हरिद्वार में नहाने के लिए नहीं मिलेगी।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने परिवार को लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे रहने की खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको रहने की खाने की कोई परेशानी नहीं होगी, हर तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है आप लोगों के लिए। दोस्तों ये हमारा पहला व्लॉग है जिसे मैं और मेरा भाई शूट कर रहे हैं, आपका ही चैनल है, आपका ही ब्लॉग है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर कीजिए और इसी तरह के हम आपको आगे भी ब्लॉग देंगे। चलिए नीचे चल के देखते हैं। दोस्तों जैसे कि हम अब नीचे आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे व्यू है, कितना बढ़िया यहाँ पे पानी है, आप यहाँ पे पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए जैसे कि आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इतनी बढ़िया आवाज़ आ रही है और इतनी गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में आपको इतना चिल्ड पानी नहाने के लिए मिल रहा है, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ की मैं सबसे बढ़िया बात आपको बताऊँ, आपको दूसरा किनारा जो दिखाई दे रहा है पहाड़ों के पास, आप वहाँ तक चल के पैदल जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको तैरना आता हो, आप बिना तैरे भी वहाँ पर जा सकते हैं, इतना गहरा पानी नहीं है, घुटनों तक पानी आएगा आपके, आप आराम से पार करके वहाँ पे आकर अपना फ़ोटो सेशन करा सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो सेशन के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए अपने क्वालिटी का टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप रेस्ट दे सकते हैं। बाकी चलिए आपको आश्रम के अंदर का माहौल दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम यहां से सीधा चलते हैं वीरभद्रा टेंपल की तरफ, जो एक बहुत ही फेमस मंदिर है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी वहां पर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। हे गाइस, आज हम आए हैं ऋषिकेश में वीरभद्रा टेंपल में और इसके बाहर हूं मैं अभी, और बाहर से आप इसका व्यूज देख सकते हैं कैसा आ रहा है, ये इसके बाहर का व्यूज है। और अभी मैं गाइस इसमें अंदर जाने वाला हूँ, तो अंदर का व्यूज आपको लेके जा रहा हूँ, मैं अंदर दिखाता हूँ क्या कैसे क्या है। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अंदर का व्यू है वीरभद्रा टेम्पल का है, ये सभी अंदर का व्यूज है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, अंदर की बात होगी और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये यज्ञ स्थल है, यहाँ पे यज्ञ होता है, उस साइड में देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही पुराना पेड़ है जो बरगद का, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। यहाँ पर देखिए लोग आ रहे हैं मन्नत मांगने के लिए आते हैं, यहाँ पर इसको कलश यात्रा बोलते हैं, इससे अगर आप ये यात्रा निकालते हैं तो इससे आपको ये फायदा होता है, जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो आपकी पूरी करने में भगवान आपको पूरी इच्छा शक्ति के साथ, आपकी मन अच्छा होना चाहिए तो आपकी वो सारी इच्छाएँ जो है पूरी हो जाएंगी। और बाकी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का सबसे पुराना पेड़ है। और ये देखिए ये कलश यात्रा निकल रही है यहाँ से, और यहाँ पर कुछ लेडीज खड़ी हुई है, और सभी देखिए लोकेशन एकदम गजब है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको पर आकर सुकून मिलेगा काफी। देखिए भगतों की कैसे लाइन लगी है, कलश यात्रा निकल रही है ये, और यहाँ से नीचे का व्यूज ये है आप देख सकते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ के लोकल लोगों से हमें जानकारी करके पता चला है कि तिवारी भोजनालय में काफ़ी अच्छी टेस्टी भोजन मिलता है, तो देखते हैं हम भी कितना अच्छा है और अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। गाइस तो गाइस हम अभी यहाँ पे आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कोई सारी रेस्टोरेंट है छोटा मोटा, इसमें जो है
हे गाइस, अब हम यहाँ से चल दिए हैं चिल्ला रोड की तरफ और मैंने सुना है वहाँ पर पावर डैम भी है और हम वहाँ पर जाकर जंगल सफारी भी करने वाले हैं गाइस, जो मैंने सुना है बहुत ही अमेजिंग रहती है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसा अनुभव रहता है और मैं बरकरार आपके साथ सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता रहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जाम बहुत गहरा लगा हुआ है, तो ऐसा चलते हुए हमें नहीं लगता हम आज ही घर पर पहुँच सके, तो मेरे ख्याल से आज हमें यही स्टे करना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि पार्किंग लावा ही है, देखो जहाँ यही कोतरा लग रही है हमको ही पार्किंग है, तो यहाँ हम भी अपनी को उतार दे रहे हैं थोड़ी बहुत बार में, और आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे और बाकी का काम गाइज में कल वो दिखम्मत है मैं दिन में। थैंक यू गाइज। हे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है मुनि की रेती का पार्क है, इसमें आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको रूम्स रेंट पर मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और जो आप वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे भी आपको रूम जो है कि अच्छे उस पर मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा रेट जो है यहाँ पर रूम का आपको मिल सकता है। तो गाइस आए यहाँ पर और स्टे करें और आपको बेनिफिट मिलेगा काफ़ी और दिल को सुकून मिलेगा गाइस। थैंक यू।